बीजेपी सरकार कितने भी दावे कर ले और प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े मंचों से कुछ भी ऐलान कर ले, पर जमीनी हकीकत जानने के लिए हम निकलते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। आइए देखते हैं उज्ज्वला योजना को लेकर सीएम योगी क्या दावा कर रहे हैं। और जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं थे, वे लोग इस बात के लिए तरसते थे कि हमें भी रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिल जाते तो हम भी जो पॉल्यूशन, जो प्रदूषण लकड़ी से, कोयला से, केरोसेन से होता है, उससे बच पाएंगे और अपने उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर पाएंगे। लेकिन यह आपकी दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप, आपकी अनुकंपा से आज देश के अंदर सफलीभूत हुआ 50 करोड़ लोग इस योजना से सफलतापूर्वक अपने जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण का यह अद्भुत कार्य, मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वाह, क्या तस्वीर है। देखकर और सुनकर लगता है वाकई में नारी सशक्तिकरण की जो बात योगी जी कर रहे हैं वो प्रदेश में बदलाव ला चुकी है। पर जब हमारे संवाददाता जमीनी हकीकत जानने निकलते हैं तो तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। आप भी देखिए और सुनिए। चूल्हे में खाना बनाती कि गैस सिलेंडर है आप? नहीं, अभी तो चूल्हे ही में बन रहा है। मोदी जी ने तो उज्ज्वला योजना 2.0 ला दी। अभी दी नहीं, हम लोग का नहीं पास, महंगा हो गया। हाँ, अब देखो 920 में है सिलेंडर, चूल्हा में जल रहा, सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं सर। रोजगार नहीं है, बस अब कभी काम लगा कभी नहीं लगा। तकलीफ है, दर्द है इनका। मोदी जी ने योजना जरूर बना दी लेकिन पैसे जो हैं सिलेंडर के महंगे हो गए, तो सिलेंडर में नहीं चूल्हे में खाना यहाँ भी बन रहा है। तो देखा आपने, ये है सरकार की सच्चाई। हम न्यूज प्लस कुछ नहीं कह रहे, सब आपके सामने है। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।